नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपनी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, आज हम मैक्सन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके महत्वपूर्ण काम में आने वाला है। मैक्सन प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैक्सन क्या रहेगा, मैक्सन प्रभाव क्या रहेगा और इसको डिफिनेट करेंगे। तो चलिए, मैग्नस प्रभाव क्या रहेगा, तो मैग्नस प्रभाव स्पिन की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है। मैग्नस प्रभाव को प्रकृति में स्पष्ट समझे, क्योंकि गेंद के स्पिन कराने में मैग्नस प्रभाव की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई घूमती हुई गेंद वायु में प्रक्षेपित की जाती है, तब गेंद आगे की दिशा में वायु प्रतिरोध बल लगाने के साथ साथ बगल पार्श्व में भी वायु प्रतिरोध बगल का कार्य करता है, जिसे मैग्नस प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, किसे कहते हैं। हम इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई घूमती हुई गेंद वायु में प्रक्षेपित की जाती है, तब गेंद आगे की दिशा में वायु प्रतिरोध बल लगाने के साथ साथ बगल यानी पार्श्व में भी वायु प्रतिरोध बल का कार्य करती है, जिसे मैग्नस प्रभाव कहते हैं। आगे चलिए, जब कोई गेंद घुमाव के साथ प्रक्षेपित की जाती है, तब इस स्थिति में गेंद एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ परिवर्तन होती रहती है, अर्थात अपने वास्तविक पथ से घूम जाती है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ प्रतिरोध बल लगने के अतिरिक्त उस पर बगल पार्श्व में भी प्रतिरोध बल लगते रहते हैं। इस एक प्रचलित उदाहरण द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। फुटबॉल खेल के मैदान में जब खिलाड़ी कॉर्नर शॉट मारता है, तब उस समय उसे मैग्नस प्रभाव का उपयोग गेंद को सीधे गोल में भेज सकता है। खिलाड़ी द्वारा कॉर्नर किक मारते समय गेंद सामने झुककर गेंद पर पैर से केंद्र बिंदु के बाईं तरफ मारते हैं, जिससे गेंद में आगे झुकाव के कारण हमें क्षेत्रीय दिशा में गति करते हुए पार्श्व दिशा में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि गेंद में निश्चित दूरी के लिए कितनी घुमाव पैदा होती है, या निम्न चर्चा करने वाले। फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, गेंद में किस मात्रा में बल लगाकर घुमाव पैदा किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट रहेगा, भार कितना होगा। थर्ड पॉइंट रहेगा, गेंद की गति क्या है। चौथा रहेगा, वायु की गति तथा दिशा क्या रहेगी। और अंतिम रहेगा, गेंद का आकार तथा तल का प्रकार क्या रहेगा। इन सब पर मैग्नस प्रभाव डालता है। तो जिस हिसाब